Kugor Nagashlem Jong Nongsan Hima. Ke Archery Association of Meghalaya, haringkat kejingnya terilang bat ke Archery Association of India, kalas dangnya kejingnya korps yat kenam, ya kepada tipkum ke second NTPC National Ranking Archery Tournament, arajar arpulai, haka last new blay, ha Sports Authority of India Training Center, Shillong. Hagening ke jingye kop lawan banya simbenta di ginong yelek kai na keleng jongkeri bala pli perdaya ka do Secretary General Jongka Archery Association of India u Pramod Chandurkar kum kongsan harangkat ke jingye don lang jongki nong yelam ka Archery Association of Meghalaya bat kiwei kiwei. Hagening ke sengilas dang suara ke jingye kop jongki sub junior na ke benta banya kini ya ki kerdan yelek kai jongki. Kat bahaya ke junior an sedang nado ke arpu arterik aduk ke arpu santerik, bat kat doa ya ke kerdan senior an sedang nado ke arpu santerik, aduk ke arpu nyoterik unai lebar arajar arpu lai. Journey starts from Shillong, journey starts from Meghalaya. Archery Association of India की जो journey start हुई थी वो Meghalaya से शुरू हुई थी. शायद बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं हो क्योंकि आप अभी young generation हो. मुझे आज के इस occasion पर हमारे respected श्री Woodward सोलिया, आज जो हमारे प्रेसिडेंट है मार्सियोडोर, उनके पिताजी, उन्होंने ही वॉज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ इंडियन आर्चरी. और ये इंडियन आर्चरी की जर्नी इस मेघालय से स्टार्ट हुई थी. मेरी जर्नी इस शिलोंग से स्टार्ट हुई थी क्योंकि मैं यहाँ पे करीबन 1989 में यहाँ आया था ऐसा आर्चरी कोच. मैंने 58 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर में मैंने ज्वाइन किया, वही स्पोर्ट्स कंपनी मैंने यहां शुरू की थी. दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात शायद आपको पता नहीं होगा, आप जो इंडियन एरो चलाते हो वो इंडियन एरो भी इसी शिलोंग की देन है. और जो पहला इंडियन एरो जो बना था, इंडियन राउंड का जो एरो बना था, वो भी इसी शिलोंग से बना था. तो ये सारी चीजें हमारी इस मेघालय और शिलोंग के साथ जुड़ी है. और मैं तहे दिल से मेघालय आर्चरी एसोसिएशन का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने इस आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया इस आर्चर की शुरुआत की. मेघालय आर्चरी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मार्सियोडोर एक इंटरनेशनल आर्चर है जिन्होंने एशियन गेम्स पार्टिसिपेट किया था और आज यहाँ की एक सबसे बड़ी अफसर भी है. टेक्निकल ऑफिशियल्स है, हमारी वर्ल्ड आर्चरी के टॉप मोस्ट जज भी है. तो ये सारी अचीवमेंट्स मेघालय की है. आज आप ये सोच रहे होंगे कि हम इतनी ठंड में, इतनी फॉग में
एक नेशनल टूर्नामेंट, एक नेशनल रैंकिंग टूर्नामेंट खेलने हम आए हैं। बट मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यदि हम यूरोप में जाते हैं तो क्या हमें यही वेदर नहीं मिलता है, क्योंकि इसे स्कॉटलैंड कहा जाता है। और आज हम शिलोंग में नहीं, स्कॉटलैंड में है, यूरोप में है, और हम उसी फीलिंग्स को लेना चाहते हैं यदि हमारी इंडियन टीम, मतलब आप लोग, यदि वर्ल्ड चैंपियनशिप यूरोप में खेलने जाते हो तो आपको उसका भी एक्सपीरियंस होना चाहिए कि यदि वेदर ठंडा है, फॉग है, बारिश है, तो हमें किस तरह से अपने आप को तैयार करना चाहिए। इंडिया में यदि हम बना सकते हैं तो हम दुनिया की वर्ल्ड पावर बन सकते हैं, क्योंकि हमारा जितना बेस बड़ा होगा उतना ही ऊपर का टावर हमारा स्ट्रांग होगा। जिस तरह से हम आने वाली 28 ओलंपिक्स, क्योंकि 24 ओलंपिक्स का तो ऑलमोस्ट बेस बन चुका है, टीम का रोडमैप भी बन चुका है, आने वाले एशियन गेम्स का रोडमैप बन चुका है, टीम भी सिलेक्ट हो चुकी है, बट जो आने वाला 28 ओलंपिक्स और 32 ओलंपिक्स जो ग्रास रूट लेवल पर डिपेंड करता है, और ग्रास रूट लेवल के लिए हमारा रोड मैप बन चुका है, उसके लिए लगने वाली प्रिपरेशंस बन चुकी है, ये सारी प्रिपरेशन से हम आज पूरी ताकत के साथ कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में हम वर्ल्ड पावर बनेंगे।